एक मैया तो कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो। महात्मा बोले फोटो को क्या करेगी, घर में? बोले घर में तो है पर चाहिए अलग से। क्यों? का छोटा बेटा बहुत रोता, डराने के लिए चाहिए कि रहे। किसी मैया का छोटा बेटा रोया, चाहे हम ट्रेन में हों चाहे बस में। और जैसे ही बच्चा रोया तो कहती चुप हो जा, वो बैठे बाबा ले जाएंगे। बाबा से ही डराया जाता है। और कई बार तो लोग ले जाओ बाबा, ले जाओ ले जाओ। और वो बेटा भी बाबा का नाम सुनते ही ऐसे चुप होता है बिल्कुल। एक गांव में हम दो चार महात्मा जा रहे थे तो एक मैया का बेटा रोया तो बोले चुप हो जा। हमने सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर वो मैया बड़ी विचित्र, उसने कहा चुप हो जा नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं, काहे को इनका संस्कार बिगाड़ते। आज से कोई 11 वर्ष पूर्व श्री हरिद्वार जाना हुआ। एक दिन हम लोग मध्याह्न काल में ऋषिकेश दर्शन को गए तो नया पुल गंगा जी का जो बना उससे उस पार दोपहर ही बड़ी विकट थी। एक व्यक्ति ने आकर मेरे चरण पकड़ लिए तो मुझे लगा बड़ा श्रद्धालु है, पर वो मेरी ओर देख ही नहीं रहा था। जय हो जय हो। मेरी ओर वह देखे ही नहीं और पांव पकड़े और पांव छोड़े नहीं। अब बड़ी कठिनाई, मैंने कहा कि देखे तो हम इसको देखकर समझें कि कोई परिचित होगा। तो हमने कहा भैया हो गया प्रणाम। अब बोला बस एक मिनट रुक जा। मैंने सोचा ऐसा कैसा प्रणाम, तो वो जिधर देख रहा था उधर देखा तो उसका बालक था तो उसकी मैया उसे मौसमी का जूस पिला रही थी, वो बालक पी नहीं रहा था। तब तक उसके पिता ने सोचा ये युक्ति बढ़िया, पांव पकड़ लिए, माँ कहती जल्दी पी नहीं, वो खड़े बाबा ले जाएंगे, तुम्हारे पापा पकड़े हुए। उस दिन हमें पहली बार समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। बालकों को संस्कारवान बनाए। अच्छा, सब मर्यादा के अनुसार। ऋषि मुनियों का जीवन मर्यादित हो, ऋषि मुनियों से मर्यादा के कारण जुड़े हुए सदग्रस्त बालक अपने संस्कारों को प्राप्त करें, सुंदर जीवन बनाएं।